सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी प्लेन साड़ी को डिजाइनर कैसे बनाएं। ये हमने वेलवेट का कपड़ा लिया है, इसके लिए हमें आधा मीटर कपड़ा चाहिए वेलवेट का, और ये हमने पट्टी काट ली है और इसके लिए हमने नवी ली है। अब हम यहाँ इसमें से 2 इंच की चौड़ाई 2 इंच की लंबाई रखेंगे और चौकुटे टुकड़े करेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाना है। अब ये 2 इंच की चौड़ाई है 2 इंच की लंबाई है और इसको हमें इस तरीके से तिरछा करना है। अब यहाँ से हम इसको बराबर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे आधा इंच का इसकी कटिंग करेंगे बीच में से। इसी तरीके से हमने टुकड़े कर लिए हैं। 2-2 इंच की चौड़ाई है 2-2 इंच की लंबाई है। अब ये हमारी प्लेन साड़ी है, तो ये हमने 5.5 मीटर की साड़ी रखी है। अगर आप इसको 6 मीटर का बनाना चाहें साड़ी को तो 6 मीटर की भी बन सकती है। हमने ये 5.5 मीटर लिया है, ये हमारा सीधा है। और यहाँ से हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें जब ये साड़ी को जब हम इसको पहनेंगे तो यहाँ से हम इसको सीधा यहाँ से हम इसको शुरू करेंगे पहनना। तो यहाँ से हमारा ये नीचे की साइड फॉल वाला हो जाएगा इस तरीके से। अब जैसे हमें पल्ला सजाना है या नीचे का बॉर्डर सजाना है उसी के हिसाब से हमें डिजाइन बनानी है। तो पहले हम पल्ले से शुरुआत करेंगे। अब हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे 10 इंच पे। इसकी हम यहाँ से लंबाई 10 इंच की ले रहे हैं। अगर आप ज्यादा ऊपर रखना चाहें तो ज्यादा ऊपर भी रख सकते हैं। अब इसके लिए हमें एक चिपकाने के लिए गोंद चाहिए। अब ये हमने डिजाइन बना ली है। हमारा जैसे पल्ला 2.5 मीटर का पल्ला होता है उतना हमने ये डिजाइन बनाई है 2.5 मीटर पे। अगर आप नीचे बनाना चाहें तो नीचे भी बना सकते हैं या यहाँ पे भी बनाना चाहें बीच में, तो इसी तरीके से आप बीच में भी बना सकते हैं। तो ये बन गई हमारी साड़ी की डिजाइन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।